हिंदू धर्म में भगवान हनुमान का ऐसा देवता माना गया है जो आज भी सशरीर धरती लोक पर उपस्थित हैं। उन्हें भक्तों के संकटों का नाश करने वाले देवता के रूप में हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों जाना जाता है। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। बजरंग बली की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा केवल पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो महिलाएं भी पूजा करके बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी सरकार में। दोस्तों, आपसे एक विनती है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाऊं कि आपके जीवन की कुछ परेशानियों का अंत हो सके। इसके लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखा करें। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन बजरंग बली की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। हनुमान की पूजा करने से दुख, रोग, संकट और विपदा दूर होती है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं को उनकी मूर्ति का स्पर्श किए बिना पूजा करनी चाहिए। बजरंग बली हर उम्र की महिला को मान सम्मान ही मानते हैं, इसलिए महिलाओं को उनके सामने सिर भी न झुकाना चाहिए, बस उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। हनुमान जी की पूजा के समय महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह हनुमान जी पर जल अर्पित न करें और न ही उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। अगर किसी महिला ने हनुमान जी के व्रत रखने का अनुष्ठान किया हो और बीच में उसे पीरियड्स हो जाएं तो यह अनुष्ठान टूट जाता है। महिलाओं को पूजा के दौरान न ही हनुमान जी को वस्त्र चढ़ाने चाहिए और न ही सिंदूर चढ़ाना चाहिए। महिलाओं का हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करना भी शुभ नहीं माना जाता। हनुमान जी को कुछ भी अर्पित करना है तो वह वस्तु उनकी मूर्ति के सामने रख दें। हिंदू धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा करने से संकट मोचन उनके हर संकट को दूर करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग के देवता कहे जाने वाले पवन पुत्र हनुमान जी के सामने कोई भी महिला सिर नहीं झुकाती। ऐसा इसलिए क्योंकि बजरंग बली खुद देवी सीता को माता मानते हुए उनके सामने सिर झुकाते हैं और वे हर उम्र की महिलाओं को मां समान ही मानते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई भी महिला उनके सामने सिर झुकाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं की प्रतिमा पर जल अर्पित करना एक संस्कार के रूप में गिना जाता है। पूजा ने सबसे पहले जल अर्पित करते हैं, इसका आरंभ किया जाता है। एक तरह से इसे स्नान के रूप में देखा जाता है, इसलिए महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, हनुमान जी को ना तो जल अर्पित करें और ना ही उन पर वस्त्र अर्पित करें। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधियों का दाता कहा गया है। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को हनुमना जी के साथ ही भगवान राम, शिव जी और शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि शनि की साढ़े साथी और ढैया से पीड़ित लोग अगर हनुमान जी पूजा करें तो उन्हें इससे राहत मिलती है। महिलाओं को हनुमान जी को पंचामृत से स्नान भी नहीं कराना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रही हैं तो उन्हें चोला, वस्त्र और यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाएं। इन चीजों का आप किसी पुरुष से अर्पित कराएं। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हर स्त्री प्रभु की भक्ति तथा साधना कर सकती है। हनुमान जी को गुरु के रूप में पूजे, बड़े भाई के रूप पूजे और फिर देखिए कि उनकी कृपा आप पर बरसती है कि नहीं। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महिलाएं हनुमान जी पूजा नहीं कर सकती हैं। महिलाएं पूजा भी कर सकती हैं और हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं। आगे उन्होंने कि भगवान के चरणों के समीप रहना ही उपवास होता है। महिलाएं भी हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं। महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श नहीं करती या महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि हनुमान जी बहुत ही पवित्र हैं और पवित्र भाव से रहते हैं। माताओं में अपवित्रता ज्यादा रहती है, इसलिए हनुमान जी माताओं से स्पर्श नहीं कराते हैं। पीरियड्स के समय नहीं पढ़ सकती हनुमान चालीसा तो पीरियड में प्रत्येक स्त्री में शारीरिक शुद्धता का अभाव होता है, परंतु मेरे विचार अनुसार मानसिक शुद्धता का यदि स्त्री संकल्प करके उस पर अडिग रहे तो वह चालीसा का पाठ कर सकती है, परंतु भगवान की प्रतिमा अथवा चित्र के सम्मुख बैठकर नहीं और ना ही चालीसा पुस्तक को हाथ में लेकर के, क्योंकि यह क्रियाकलाप धर्मानुकूल नहीं होगा। अपितु अपने मन में चालीसा का पाठ कर सकती है, परंतु मुख से किसी भी प्रकार की ध्वनि अथवा शब्द उत्पन्न ना हो और यह कार्य एकांत में किया जाए तो ही उत्तम होगा।
और इस प्रकार की पूजा को मानस पूजा कहते हैं। इस दौरान अगर महिला को हनुमान चालीसा याद भी है तब उन्हें पढ़ने की इजाजत होती है। शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स के कितने दिन बाद मंदिर जा सकते हैं, ऐसी मान्यता है कि यदि यह अवधि 3 दिन की है तो आप 4th दिन अच्छी तरह से स्नान करके और बाल धोने के बाद मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं।